आपके घुटनों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है, घुटने की चिकनाई खत्म हो गई है, या किसी भी जोड़ में दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ गई है, कमर का दर्द हो, नसों की खिंचाहट हो, अकड़न हो, जकड़न हो, किसी तरह की भी समस्या हो शरीर में, सिर्फ यह एक आलू हर घर में मौजूद होती है। इसकी मदद से मैं आज आपको एक तरीका बता रही हूँ, एक नुस्खा बता रही हूँ, और यह अजमाया हुआ नुस्खा है। हर घर में मौजूद यह आलू, इसमें आपको कोई भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यकीन माने, यह आलू अगर आप प्रयोग करना जान लेंगे, इस आलू को किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो घुटने के दर्द हो, सूजन हो, जिसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं, या आर्थराइटिस जिसे हम गठिया बोलते हैं, वो हो गई हो, उससे दर्द से आप परेशान हो, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती है, वो सबसे यह छुटकारा दिला देगा। इसके लिए आपको कोई भी कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की जो ये वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेज वाली होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी लोगों के लिए यह बहुत ही खास होने वाली है। अजमाया हुआ तरीका बता रही हूँ, तो इसे आप इस आलू की मदद से कैसे आप अपने घुटने के दर्द, किसी भी जोड़ के दर्द, सूजन को दूर कर सकेंगे, या अगर गाउट हो गई है, गाउट हो जाती है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, उसमें भी यह बड़े फायदेमंद है। तो आपको मैं इसके तरीके बताऊंगी, दो तरीके बताऊंगी, दोनों ही तरीके आपको प्रयोग करने हैं। किस तरीके से करने हैं वो चलिए अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब घुटने दर्द हो या किसी भी जोड़ में दर्द शुरू होती है, उसके पीछे का कारण हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इसे जड़ से ठीक कर सकेंगे। सबसे पहला जो कारण होता है, आप सभी जानते हैं कि उम्र जब बढ़ जाती है, ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो ये सभी लोगों के साथ जोड़ों में दर्द की समस्या देखी जाती हैं। और दूसरा जो कारण होता है वह ये होता है कि शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड जब बढ़ने लगती हैं तो भी जोड़ों में दर्द देखी जाती हैं। और तीसरा होता है पेट साफ नहीं रहना, कब्ज रहना। पेट अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो जोड़ों में दर्द होने ही होते हैं, आज नहीं तो कल होने ही हैं। तो पेट का ठीक रहना, कब्ज रहना, एसिडिटी रहना, गैस रहना भी एक कारण है जोड़ में दर्द या नसों में ब्लॉकेज होने की। और उसके बाद जो कारण होती हैं वो होती हैं इन्फेक्शन हो जाना किसी चीज़ से, या इन्फ्लामेशन हो जाना। इन्फ्लामेशन की वजह से भी जोर में दर्द, अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न, थकावट, नसों की ब्लॉकेज, इन तरह की समस्याएं दिखी जाती हैं, जिसे काफ़ी तकलीफ़ होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा उतरा नहीं जाता, या एरी में दर्द हो जाते हैं, टखने में दर्द हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आज जो तरीका बता रही हूँ बहुत ही काम का है। तो इसके लिए आपको एक आलू जो हर घर में होती ही हैं, तो इसे आपको ले लेना है। देखिए, पहला तरीका आपको कैसे इसे प्रयोग करना है दोस्तों, क्या करना है, देखिए आलू ले लेनी है और आलू को आपको बीज से काट देना है। जैसे ये आलू है, हमने इसे बीज से इस तरीके से काट दिया है, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, कच्चा आलू लेना है, आलू को अच्छे से धो लेना है पहले, छिलका इसका बिल्कुल नहीं उतारें। आलू में क्या क्या होता है, देखिए आलू में होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है आलू में, विटामिन सी होती है। मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे हड्डियों को मजबूती देता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लगने देने में मदद करता है, विटामिन डी को, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके। आलू में विटामिन सी होता है जो इन्फ्लामेशन को दूर कर देता है, और आलू में पोटेशियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूती देता है। आलू के छिलके जो होते हैं ये बड़े फायदेमंद होते हैं, इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो सूजन को बिल्कुल दूर करता है, दर्द को खींच लेता है। तो आपको क्या करना है, दो तरीका इसका बताऊंगी कैसे लगानी है। मान लीजिए कि आपके जोड़ में, जैसे कि ये जोड़ उंगली की जोड़ में दर्द है, ठीक है, या किसी भी घुटने में जोड़ है या दर्द है, आपको ये आलू ऐसे काट कर छिलके के साथ इस तरीके से वहाँ पर लगानी है। इसे लगा कर आप इसे छोड़ दें, सूखने दें, ठीक है, कुछ देर तक इस तरीके से लगाएं, एक मिनट के लिए लगाते रहें गोला गोला, और इसे इस तरीके से यहाँ पर जब ये लग गई इसकी रस, लगाकर छोड़ दें, सूखने दें इसे, और इसे एक से दो डेढ़ घंटे के बाद, लगाने के बाद जब ये सूख जाए अच्छे से, तब आप इसे चाहें तो धो सकते हैं या ऐसे ही लगा रहने दें। आपके दर्द में, सूजन में तुरंत राहत देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका, अगर बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत दर्द है, तो एक जो ये टुकड़ा है इसे आप अपने ठंडी जगह पर फ्रिज में डाल दें, फ्रीजर में रख दें, और ये जो दूसरा टुकड़ा है इसे तवे, गरम तवे के ऊपर रख दें। तो इधर इधर साइड से आप रखें, ये वाले साइड से, ताकि ये ऊपर गरम हो। ऐसे आपको तवे पर नहीं रखनी है, जिधर से हमने काटा है उसको ऊपर रखना है, और छिलके वाली जो साइड है, सतह है, ये तवे पर रखनी है गर्म होने के लिए।
इसे हल्का गर्म कर लें और इसे फ्रीजर में रख दें, हल्का ठंडा कर लें। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाए और ये गर्म हो जाए तो प्रयोग कैसे करनी है, याद रखें ठंडी वाली जो है एक मिनट के लिए जहाँ भी दर्द है वहाँ पे एक मिनट के लिए घड़ी देखें, और एक मिनट के लिए घड़ी अगर नहीं देख सकते वहाँ पे नहीं है घड़ी तो आप 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 60 बार गिनती गिनें और लगाएं, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगानी है ठंडी वाली। उसके बाद आपको गर्म वाली 3 मिनट के लिए लगानी है, 3 मिनट के लिए यानी 180 बार आपको गिनती गिननी है और ये गर्म वाली से लगानी है, वापस से ठंडा वापस से गर्म। ठीक है, तीन तीन बार तीनों को दोनों को लगा लेनी है आपको। इस तरीके से आपको दर्द और सूजन में तुरंत आराम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपको बता देती हूँ एक लेने का तरीका, एक ड्रिंक बनाने का तरीका, जो पानी को आपको रोज़ ही पीना है, जो कि दर्द होने के कारण होते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना, तो ये पानी जो आज मैं आपको बताऊंगी आलू के तरीके से बनाना, उसमें एक ग्लास की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जो कारण होता है यूरिक एसिड बढ़ने का, अल्कलाइन हो करना होता है हमारे शरीर को। जब शरीर में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, गैस, अफारे, पेट का साफ नहीं रहना, ये सब तकलीफें होती हैं, तो उसको भी ये दूर करेगा। तो इसके लिए आपको एक ग्लास ले लेना है। ठीक है, और ये जो मैं बता रही हूँ उसे कितने दिनों तक करना है वो जानना जरूरी है। देखिए वीडियो को, इसमें आपको पानी डाल देनी है, पानी भर के डालनी है। अब आपको क्या करनी है, आलू को अच्छे से धो लें और इस छिलके के साथ ही, और इसे आपको इस तरीके से काट लेनी है। देखिए हमने इस तरीके से आलू को काट लिया है, आप देख रहे हैं ये पीसेज, इसके पतला पतला पीस आपको इस तरीके से स्लाइस कर लेना है, काट लेना है। अब यही काम आपको आएगा आपके यूरिक एसिड में, गठिए के दर्द में, जोड़ की चिकनाई बनाने में मदद करने में। ठीक है, तो इसे कैसे प्रयोग करेंगे, पानी में जैसे हमने यहाँ पे पानी लिया ना, अब इसमें ये सारे ही इसको गिरा दीजिए कटे हुए आलू को। अब ये जो पानी है इसे तुरंत नहीं पीना है, इसे आपको रात में करनी है सोने से पहले, और इस तरीके से आपको छोड़ देनी है। इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी भी मौसम में आप इसे ले सकते हैं। ये जो पानी बनकर तैयार होगी ये जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होगी। इसमें बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती है तो पेट पचा नहीं पाता, तो ये आप लीजिए। आपको इसमें पाचन शक्ति भी अगर कमज़ोर है तो भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी इसे ले सकते हैं ताकि उनके शरीर में पाचन शक्ति बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, उनको फ़ायदा मिलेगा। नसों में ब्लॉकेज हो दूर होगी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसमें विटामिन सी, जरूरी जितने भी पोषक तत्व हैं सारे हैं। लगातार 1 महीने तक आपको इसका प्रयोग करना है। सुबह उठिए, आलू के ये जो हमने डाला है पीसेस इसको निकाल लीजिए, या फिर आप एक दूसरा इस तरह से एक दूसरा कप लीजिए और ये पानी को आप दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, और ये वाले पीसेस इसका आप बाकी इस्तेमाल सब्जी वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, इसको सब्जियां वगैरह बना लें। और ये जो पानी हमने निकाल लिया है इस पानी को आपको सुबह सुबह पी लेनी है, ये अल्कलाइन वाटर हो जाएगा और ये बेहतरीन फायदेमंद होता है, पेट को साफ करता है, पेट की गंदगी को दूर करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां यूं ही दूर हो जाती हैं। और साथ में ये जोड़ों के दर्द, अकड़न, स्टिफनेस, घुटनों के दर्द और जितने भी तकलीफें हैं शरीर से उनको दूर करने का काम करता है। अजमाया हुआ नुस्खा जरूर से बनाइए और जरूर से आज से ही लेना शुरू करिए, पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और इसके कोई नुकसान भी आपको नहीं मिलेंगे। आज की जानकारी यहीं तक थी, जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, इस तरह की ही जानकारी आपको मिलते रहेगी आगे भी। शुक्रिया।